अगली सुबह लोगों ने देखा कि वह घर के बाहर लॉन में रखी बुक शेल्फ में से किताबें इस तरह मुंतकिल कर रहा है जैसे किसी की उंगली थाम थाम कर अंदर ला रहा हो। आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आजम शाह। दोस्तों, अगर यादें हसीन हो, खूबसूरत हो, दिलचस्प हो, तो उनके औराक पलटते हुए, उनके पेजेस पलटते हुए, जब खूबसूरत यादें आज का हिस्सा बनने लगती हैं, तो दिल बहुत मुतमईन होता है, बहुत खुशी महसूस करता है। पिछले कुछ एपिसोड में यह सिलसिला मेरे साथ शुरू हुआ, इसमें मेरी यादें अनफोल्ड हुई। उन्हीं यादों का एक अहम हिस्सा है, एक शानदार हिस्सा है आज के प्रोग्राम में। गाइस, जब एफएम रेनबो से निकलकर मेरे कदम दूरदर्शन की तरफ बढ़े, तो कैमरे से, एंकरिंग से, प्रेजेंटेशन से, मेरे दोस्ती कराने वाले, मेरी रहबरी करने वाले, मेरे भाई, मेरे मेंटोर, मेरे गाइड और न जाने क्या क्या थे जनाब अंजुम उस्मानी। वो न सिर्फ ये कि शानदार डायरेक्टर थे, दूरदर्शन के ASD थे, प्रोग्रामर थे, एडिटर थे, प्रेजेंटर थे और न जाने क्या क्या थे, एक बहुत शानदार शख्सियत के मालिक थे। और इन सब चीजों से ज्यादा बढ़कर वे एक शानदार राइटर थे। उनके लिखे अफसाने, उनकी लिखी कहानियां जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम कब और कैसे उनके अंदर चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कब हम उस कहानी का किस्सा बन जाते हैं, कब हम खुद को उस कहानी में महसूस करने लगते हैं, मैं पता ही नहीं चलता। उनका लिखा यह खूबसूरत अफसाना जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जब आप इसको सुनेंगे, अगर आप में लिटरेचर के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है, तो आपके दिल को छू जाएगा, यकीन जानना। इस खूबसूरत अफसाने का नाम है, इस खूबसूरत अफसाने का अनुमान है, इस खूबसूरत अफसाने का टाइटल है बुक शेल्फ। जब आप बुक शेल्फ से रूशनास होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिल पर जरूर दस्तक देगा। आइए इस खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी को, इस प्यारे से अफसाने को सुनते हैं, जिसे लिखा है जनाब अंजुम उस्मानी साहब ने। समाप्त फरमाइए। रात की पहले पहर में वो दफ्तरी सफर से घर लौटा तो काफी सामान नए मकान के बाहर लॉन में पड़ा हुआ था। जब वो टूर पर जा रहा था तो इस नए मकान में शिफ्टिंग शुरू हो चुकी थी। चाहता तो वो यही था कि पुराने मकान से पूरी तरह नए मकान में मुंतकिल होने तक टूर तो क्या, वो ऑफिस भी न जाए, और उसने कुछ दिन की छुट्टी ले भी ली थी, मगर किसी दफ्तरी मजबूरी की वजह से उसे छुट्टी मनसूख करके अचानक सफर इख्तियार करना पड़ा था। मुलाजमत बहरहाल मुलाजमत है, चाहे वो अफसर की ही क्यों ना हो। चुनाचे जाते जाते वो अहले खाना से कह गया था कि शिफ्टिंग का काम जारी रखा जाए, वो एक दो दिन में आ ही जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। और जब वो सफर से लौटा तो इस नए मकान के लॉन में कई दूसरी चीजों के साथ उसकी वो बुक शेल्फ भी रखी थी, जिसे उसने हमेशा अपनी मुख्तसर सी लाइब्रेरी के तौर पर सजोए रखा था। वो एक पुराना सरकारी मुलाजिम था, अब रिटायरमेंट के करीब था, मगर
सरकारी मुलाजमत की सारी मुद्दत में वो किसी भी छोटे से छोटे मकान में रहा हो, किताबों का ये शेल्फ हमेशा मकान के अहम कोनों में जगह पाता रहा था। किताबों के इस सुथरे जौक ने ही गालिबन उसको फाइलों के बेजान कागजों और दफ्तर ज़दा जिस्मों के दरमियान सालहा साल घिरे रहने के बावजूद बातनी तौर पर खुद को जिंदा रखने में मदद की थी। उसमें अभी तक वो गोशा महफूज था जिसमें जज्बा, तहजीब और तरबियत सांस लेते हैं। उसे याद था कि कस्बे के बड़े से घर के छोटे से बच्चे जब खुद मदरसे जाने के लायक हो जाते तो ऊंची दीवारों वाले दालानों में बनी छोटी छोटी सी अलमारियों में से एक अलमारी, जिसे उनके यहाँ खिड़की कहते थे, उस बच्चे के अख्तियार में दे दी जाती थी कि छोटी सी अलमारी उसकी पूरी दुनिया बन जाती। वो उसे साफ करता, सजाता और अपना कायदा, कॉपी, कलम और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिन्हें वो अहम समझता इसमें रखता था। कुछ और बड़ी क्लासों में जाता तो उसे घर में बड़ी अलमारी मिल जाती और बालिग होकर एक अलग कमरा मिल जाता। गोया माशरती तरबियत थी जो मरहलावार तय होती। सरकारी मुलाजमत के सिलसिले में शहर आकर उसे पढ़ने के लिए अलग कमरा तो दरकिनार कभी अलग से कोई गोशा भी मैसर नहीं हुआ, मगर उसने इस बात का अहतमाम रखा कि उसे अपने लिए जो गोशा भी मैसर आए उसमें किताबों के इस शेल्फ को एडजस्ट कर सके। और अब तक खैर सीनियर होने के नाते उसे एक अच्छा बड़ा मकान मिला था। उसका इरादा था कि वो जल्द ही एक बड़ी सी अलमारी खरीदेगा और बाकायदा अपना स्टडी रूम बनाएगा, मगर बड़ा सा मकान मिलने पर उसके छोटे से बुक शेल्फ को गैर ज़रूरी सामान की फहरिस्त में डाल दिया गया था। और अब रात की नींद तारीकी में नए मकान के लॉन में ऐसे रखा था जिसे रखा हुआ नहीं पड़ा हुआ कहते हैं। कैसा रहा आपका सफ़र? खाने की मेज़ पर उसके सामने खाना परोसते हुए उसकी बीवी ने पूछा। सरकारी टूर सभी जैसे होते हैं, बस वही रूटीन वर्क। हाँ, नए मकान में शिफ्टिंग में कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने पूछा। नहीं। सजावट कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी है, बस कुछ चीज़ों को शायद एडजस्ट नहीं किया जा सका। हाँ, असल में बच्चे कुछ नई चीज़ें खरीद रहे थे ना, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए जगह नहीं बची। जो चीज़ें एडजस्ट होने की ताकत नहीं रखती वो कहाँ जगह बना पाती है। उसका दिल चाहा जोर से चिल्ला पड़े और मकान में मौजूद लोगों को बताए कि कितने साल से वो सबको एडजस्ट किए हुए हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद तुम ये नई चीज़ें खरीदने के लायक ही ना होते। मगर वो खामोशी पसंद एक सुलह कुल शख्स था। एक ख़ास तहजीब का परवरदा होने की वजह से बहुत मरतबा उसका रद्द अमल आम लोगों से मुख्तलिफ होता था। उसने खामोशी से खाना खाया और अपने सोने के कमरे में चला गया। उसके कमरे की खिड़की उसी लॉन में खुलती थी जहां दूसरी चीज़ों के साथ उसकी बुकशेल्फ भी पड़ी हुई थी। उसने इरादा किया कि अभी के भी लॉन में से किताबें लाकर अपने कमरे में कुछ जगह बनाकर सही जगह रख दे, मगर बीच रात में सामान इधर से उधर करना और सबको जगाना उसे मुनासिब न लगा। वो सोने की कोशिश करने लगा, मगर सफ़र की थकान के बावजूद उसे नींद न आई। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसके बचपन के कुछ दोस्त, उसके कई मोहसिन रात में घर के बाहर खड़े उसको अजीब निगाह से देख रहे हैं। कई किताबों के किरदार शेल्फ से बाहर निकल आए थे और उससे इस्तफसार करने लगे थे, उससे पूछने लगे थे। क्यों जनाब, बस हो चुकी दोस्ती? एक तो ऐसे मौके पर हमें तनहा छोड़कर चले गए जब हमारी जगह बदली जा रही थी, और अब कैसे आराम से नए मकान के बिस्तर पर दराज हैं और हम यहाँ लॉन में ठिठर रहे हैं।
किसी किरदार ने उसकी विंडो थाम ली थी। कोई कह रहा था, हमने तुम्हारी उदासियों, तुम्हारी तन्हाइयों में तुम्हारा कितना साथ दिया, मगर तुम, मुझे तो तुम जानते हो ना, मुझसे तो तुम्हें लगभग इश्क था। तुमने मेरे नाम पर अपनी बच्ची का नाम तक रख दिया। रात का आखिरी पहर हो चुका था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बेकरारी के इस आरम में उसने सुबह की। अगली सुबह लोगों ने देखा कि वह घर के बाहर लॉन में रखे बुक शेल्फ में से किताबें इस तरह मुंतकिल कर रहा है जैसे किसी की उंगली थाम थाम कर अंदर ला रहा हो। उसके चेहरे के तासुरात ने किसी को जुर्रत न होने दी कि उससे कुछ सवाल कर सके। शेल्फ समेत सारी किताबें अंदर लाकर वो आराम से कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे उसके कमरे में उसकी पसंद के बहुत से दोस्त जमा हों। सफर की थकान और नींद का खुमार उसकी आंखों से गायब था। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ नजर डाली जहां दो नौजवान एक पुराने से स्कूटर पर एक बड़ा सा टीवी सेट ढोए लिए चले जा रहे थे। उसकी होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट चमकी। बहुत इत्मीनान के साथ उसने शेल्फ से एक किताब निकाली, उस पर ऐसे हाथ फेरा जैसे किसी बेतकल्लुफ दोस्त के साथ हाथ मिला रहा हो और सुकून के साथ बैठकर पढ़ने लगा। बच्चन, अभी आपने जनाब अंजुम उस्मानी का लिखा ये अफसाना सुना। गाइस, आपकी बातें, आपके मशवरे, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़ी हिम्मत पैदा करते हैं। मैं बड़ा ताकतवर महसूस करता हूँ जब आप मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। आपका इंटरेक्शन, आपके रिएक्शंस मेरे लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। अब मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कहानियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वो दोस्त जिनके साथ ये कहानी शेयर हुई है मैं उनसे भी कहता हूँ कि वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चेन को, इस सिलसिले को बढ़ाते चले जाएं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मेरी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइज, मुझे आपके लाइक्स कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और नए दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। एक और कहानी के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।